जंतर मंतर आ चुके हैं और ये टिकट काउंटर है जो कि 50 रुपीज़ यानी 1 पर्सन का 50 रुपया लगता है एंट्री फीस जो कि आप ले सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो 20 रुपीज़ लगेगा जो कि एंट्री फीस है, तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। आईडी कार्ड लगेगा, आईडी कार्ड आपको दिखाना पड़ेगा, और अगर आपके पास आईडी कार्ड नहीं है तो आपको 50 रुपीज़ लगेगा। तो आप यहाँ विजिट कर सकते हैं और ये हवा महल के जस्ट बगल में है, यहाँ से 200-300 मीटर की डिस्टेंट है, तो आप यहाँ भी आ सकते हैं। काफ़ी अच्छा टूरिस्ट प्लेस है और देखते हैं अंदर कितनी टूरिस्ट आए हुए हैं, तो आप सबको पूरी जानकारी आप सबको मिलती रहेगी। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर दीजिए। चलिए अभी चलते हैं, टिकट ले लिए हैं, बाकी यहाँ से चलते हैं। बाकी अगर आप बारिश वगैरह हो रही तो आप यहाँ से ले सकते। कितने का आई है? 200 रुपये का एक है, तो आप लेना चाहें तो यहाँ भी ले सकते हैं। जंतर मंतर के अंदर आ चुके हैं और टिकट अपना दिखा चुके हैं, बाकी आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ बहुत सारी चीज़ें जो बना है, आप सबको धीरे धीरे पूरी जानकारी आप सबको इस वीडियो में मिलेगी। और मेरे पास पूरा दिन था घूमने के लिए, आज भी पूरा दिन है, 2 बजे तक टाइम है, लेकिन क्या हुआ कल से ही पूरा बारिश हो रही है तो घूमने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आज सुबह हम 6 बजे रेडी हो गए थे, लेकिन सुबह सुबह बारिश स्टार्ट हो गया था जो कि हम बाहर निकल ही नहीं पाए घूमने के लिए, तो ये सब प्रॉब्लम हो रही है हमको घूमने में। और काफ़ी प्लेसेस थी कवर करने के लेकिन नहीं कर पाया, नहीं घूम पाया, तो जो भी थी आप सबको इस वीडियो में दिखाऊंगा। एक फर्स्ट पार्ट आप सबको मिल गया होगा, ये सेकंड पार्ट है और इसके बाद ये जयपुर का लास्ट पार्ट ही यही है। और जितनी सारी प्लेसें हैं मैं आप सबको बता दूंगा, और सारी प्लेसें दिखा नहीं पाया क्योंकि बारिश होने की वजह से, जानकारी आप सबको बहुत सारी मिलने वाली है, तो वीडियो में बने रहिएगा। बाकी आप देख सकते हैं यही है जंतर मंतर, और इसमें क्या क्या चीज़ जंतर मंतर किस लिए नाम रखा गया था वो सब चीज़ आप सबको आगे वीडियो में मैं बताऊँगा। यहाँ पे काफ़ी देर से मैं जंतर मंतर में घूम रहा हूँ, बाकी यहाँ के बारे में कुछ डिटेल आप सबको दे देता हूँ। जैसा कि ये जो बना है 2010 में, ये अभी नया बना है, पुराना नहीं है, नया बना है, लेकिन पूरे इंडिया में सबसे जंतर मंतर वैसे तो बहुत सारी बनी हैं, इंडिया में बहुत जगह बनी है, लेकिन ये सबसे नंबर वन पे आती है जंतर मंतर जो कि है ये। और काफ़ी अच्छी टूरिस्ट प्लेस भी है, जस्ट हवा महल के पास में ही है, तो ये 2010 में ही बना है, नया है और बाकी काफ़ी अच्छा है। उसका यंत्र है वो काम नहीं करता, तो अभी यहाँ पे देखिए पूरी चारों तरफ बिल्डिंग नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं अलाउ है कि आप बना सकते हैं, यहाँ कोई बिल्डिंग बड़ी बिल्डिंग नहीं बनी हुई है, और इसके वजह से यहाँ हर एक चीज़ पता चलता है, लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए, तो इसके लिए आप गाइड हायर कर लीजिए, जो कि जो भी चार्ज लेंगे उनसे बात कर लेना, 100-200 रुपया चार्ज लगता है गाइड का, और उनसे बात करके फिर आप यहाँ की पूरी जानकारी पूरी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। तो यही सब थी कुछ जानकारियाँ कुछ इन्फॉर्मेशन, तो चैनल पर नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर दीजिए। जैसा कि यहाँ पे बहुत सारी यंत्र है जो कि आप सबको समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आप सबको पता नहीं होगा, तो हम बता देते हैं। ये है जो चक्र यंत्र है, इसका क्या काम रहता है अब ये चीज़ हमें नहीं पता, ये जो गाइड आप करेंगे तो वो उनको हर एक चीज़ पता होता है, तो उनसे आप कन्फर्मेशन कर सकते हैं, बाकी वो हर एक जानकारी आप सबको शेयर करेंगे। बाकी वो जो है कपाली यंत्र है, ये दोनों एक हैं, एक बड़ा सा बॉल है आप देख सकते हैं ये, और ये वाला है और एक उधर है, दोनों एक बड़ा बॉल सा है, तो ये आधा इधर कर दिए आधा उधर कर दिए हैं, और बीच वाला चक्र यंत्र है ये है कपाली यंत्र। पहले के ज़माने में क्या होता था, घड़ी वगैरह नहीं होती थी, टाइम कैसे पता करें, और बहुत सारी चीज़ें जो थी कि कैसा पता करना है, तो इसी सब चीज़ से पता करते थे। हालांकि ये अभी जल्दी में बना, लेकिन पहले के ज़माने में बताया गया है कि इसी के तरीके से
जैसे ये सब यंत्र बना है, इसी के तरीके से सब कुछ पता करते थे, टाइम कितना हुआ और कौन सा दिन है, तो पूरी हर एक जानकारी नेट पे ही हो जाती है। लेकिन पहले जमाने में नेट नहीं था, ना मोबाइल फ़ोन था, तो हर एक चीज़ जानकारी खाली एक दिमाग से हो। सारी घड़ी भी हैं, ये सब देख सकते हैं, धूप घड़ी है, धूप घड़ी यंत्र है, और उधर गोल यंत्र है, बहुत सारी यंत्र हैं। और अगर आप गाइड करते हैं तभी आप सबको समझ में आएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन जानकारी मिल पाएगा। जितनी हमारे पास जानकारी थी, जितनी इन्फॉर्मेशन थी, सब जानकारी सब इन्फॉर्मेशन आप सबको शेयर कर चुका हूँ। बाकी यहाँ से एग्जिट गेट है, ये आप देख सकते हैं, और अभी चलते हैं बाहर, क्योंकि अभी सोच रहे हैं अल्टिमस एक म्यूजियम हॉल है वहाँ पे जाएंगे, और उसी के बगल में है जू, और देखते हैं कहाँ कहाँ जाएंगे, सब पूरा जानकारी आप सबको देंगे। चलिए अभी चलते हैं। पाएंगे जंतर मंतर के पास जस्ट बगल ये सिटी पैलेस, जो कि एक म्यूजियम है, और वहाँ भी जा सकते हैं। वहाँ का जो प्राइस लग रहा है 300 एडिट का, और चाइल्ड का जो लग रहा है 150 लग रहा है। तो मैं आप सबको अभी दिखा दूंगा। बाकी यही है मेरे पीछे, जो कि सिटी पैलेस का मेन गेट आप देख सकते हैं, टिकट काउंटर इधर बना हुआ है, जो कि आप यहां से टिकट ले सकते हैं। हमने आप सबको बता दिया कि यही है मेरे पीछे मेन गेट, यही है जो कि सिटी पैलेस का, और जस्ट इधर सामने है और जंतर मंतर का, जो कि हमने टिकट लेके अंदर जाके आप सबको वो वीडियो अपने दिखा दिया। अभी चलते हैं जू में और वहाँ पे दिखाते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम ओनली 2 आवर्स यानी 2 घंटे बचे हैं, क्योंकि 1:50 पर हमारी ट्रेन है। तो अभी हम जाते हैं वहाँ पे और जू में एक चीज़ और दिखाते हैं, उसी के जस्ट बगल में है अल्टिमस म्यूजियम, वहाँ भी देखते हैं, अगर टाइम होगा तो आप सबको दिखाएंगे, नहीं तो जू तो दिखाएंगे, पहले नंबर जू दिखाएंगे, उसके बाद आप सबको दूसरा कुछ दिखाएंगे। बाकी आप यहाँ भी विजिट कर सकते हैं, अच्छी प्लेस हैं, जो राजा महाराजा की पुरानी सामानें थी तो वो सब चीज़ इसके अंदर म्यूजियम के अंदर पड़ी हुई है, तो वो चीज़ आप सबको देखने को मिलेगी। बाकी टिकट का प्राइस काफ़ी कॉस्टली है। ठीक है, जैसा कि हम आ चुके हैं अल्टिमस हॉल म्यूजियम के पास, जस्ट सामने है हमारे, और इधर इस साइड है चिड़ियाघर, जो कि जंतर मंतर से आते और ओनली 2 किलोमीटर है वहाँ से, जंतर मंतर से 2 किलोमीटर है यहाँ चिड़ियाघर के पास में। ताकि आप ऑटो का प्रयोग, या अगर सोलो ट्रेवल है तो थोड़ा आगे आके रोड पे वहाँ से आएंगे तो 10-10 रुपया लगता है चिड़ियाघर का, तो यहाँ आ सकते हैं। बाकी और भी इन्फॉर्मेशन और भी जानकारी आप सबको शेयर करने वाला हूँ। तो चैनल पे बने रहिए, चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके। मैं टिकट ले लिया है जो कि स्टूडेंट का था 70 रुपया पर पर्सन, और अगर आप जो स्टूडेंट नहीं है तो 75 रुपया पर टिकट लग रहा है, फॉरेन के लिए 500 यानी 500 रुपये लग रहा है, और जो कि 75 रुपया पर पर्सन लग रहा है, चाइल्ड का जो लग रहा है कम लग रहा है, और स्टूडेंट का 70 रुपया पर पर्सन। ये मेरी टिकट है, आप देख सकते हैं, और स्टूडेंट आईडी दिखाना पड़ेगा, जो कि आपको टिकट प्राइस कम हो जाएगा। और हमने दो टिकट ले लिया 70-70 रुपये का, यानी 34 रुपया 34 रुपीस पड़ा है। तो अभी चलते हैं अंदर, और यही सब फ़ायदा अगर आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट आईडी कार्ड लेके आइए, नहीं तो आपके फ़ोन में भी होगा तो दिखा के आप बता सकते हैं हम स्टूडेंट हैं, तो उसका प्राइस कम लगेगा, आप जा सकते हैं। हालांकि एंट्री कर चुके हैं, आप सबको दिखा रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके, बाकी मगरमच्छ एक दो जगह दिखा, जो जहां जहां पोस्टर लगा है वो चीज़ है नहीं,
कहीं है कहीं नहीं है, क्योंकि बहुत कम है जानवर इसमें, और जिस हिसाब से है सही है, लेकिन ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, छोटा सा है। और इधर अभी आए, ये इधर है हंस, आप देख सकते हैं। तो अभी तक तो हमको कोई कुछ दिखा नहीं ज़्यादा, और ये हंस से दिखा, बाकी इधर बत्तख है, आप देख सकते हैं। इसमें कोई बड़ा जानवर नहीं है, जैसे शेर वगैरह या बाघ या चीता, कोई सांप जो दिखाते हैं जू में, वो भी बहुत सारी नहीं है चीज़ें, और ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, छोटा सा है ये। ये देखिए, इसमें शेर के लिए बनाया गया था, लेकिन इसमें है नहीं, ये भी बनाया गया था लेकिन है नहीं कुछ, पूरा खाली है, तो उतना ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे खास। देखिए ये भी पूरा खाली है, तो एक हिसाब से पैसा वसूल प्लेस नहीं है यहाँ पे। अभी हमने चिड़ियाघर में पूरा कवर कर लिया, पूरा घूम लिया, और मुझे कुछ उतना ज़्यादा खास नहीं लगा प्राइस के हिसाब से, कि कुछ भी लग रहा है 10 रुपये लग्जरी एंट्री फीस है, तो बेकार है, इसको वो फ्री में कर देंगे, क्योंकि उतना तो बाहर से ही लोग देख लेते हैं, अंदर कुछ भी यानी कुछ भी नहीं है। आप सबको दिखाया हमने पूरी तरीके से क्या चीज़ है क्या नहीं है, और अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो एकदम बेकार प्लेस, सबसे बेकार प्लेस ये है हमारे हिसाब से, तो आप यहाँ ना आए तो बेहतर है। बाकी म्यूजियम है वहाँ भी देखते हैं क्या है, बाकी आप सबको हमारा हमारा काम है दिखाने का, आप सबको बताने का क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, तो पूरी जानकारी देने का, तो पूरी जानकारी आप सबको हमने शेयर कर दिया। बाकी और भी इंफॉर्मेशन और भी जानकारी दी, आप हमारे चैनल पर बने रहिए, अगर कुछ इनको कुछ आपको क्वेश्चन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, बाकी आप सबको जवाब ज़रूर देंगे। बाकी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़।